से है कि हथुआ मार्केट में एक भी पार्किंग जोन नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण। सप्ताह में अब दो दिन साफ सफाई कराएगा लोग, तो क्या होगा, पूरा गंदगी लग जाता है। नमस्कार, आप बदलता बिहार देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और अभी हम छपरा विधानसभा में हैं। छपरा विधानसभा में क्या है समस्या और किस मुद्दे पे चुनाव होगा, इसके लिए हम जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। यहाँ अभी हम छपरा मार्केट में हैं और जिस वक्त अभी हम जहाँ खड़ा हैं भी अलंकार ज्वेलर्स है और यहाँ ईसाई लोग हैं, ये भी यहाँ के वोटर हैं और वोट करते हैं। इनकी भी कुछ समस्या है, क्या समस्या है और किस जो आपके यहाँ सिटिंग विधायक हैं क्या कुछ विकास किए हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहला बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि हथुआ मार्केट का ही नहीं, पूरे थाना चौक से लेके और मतलब ये पूरा दयावा तक का ये सबसे बड़ा समस्या। हथुआ मार्केट में एक भी पार्किंग जोन नहीं है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि पार्किंग जोन होना चाहिए हथुआ मार्केट में। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक सुन गुप्ता से यही कहना होगा कि कम से कम हथुआ मार्केट में कुछ भी नहीं तो आप एक तो पार्किंग जोन बनाइए। और चुनाव अब विधायक नहीं रहे किसके सर पे, फिर भी हमको ऐसा लगता है कि दोबारा वही आएंगे, सुन गुप्ता ही आएंगे। ये हम उनके वोटर हैं इसलिए हम उनसे उम्मीद रखते हैं और भाई हम वोट देंगे तब उनसे मेरा आशा भी रहेगा कि सीएन गुप्ता हमारे लिए कुछ करें। और सीएन गुप्ता से सालों में आपने उनको चुना, आपने उनको मौका दिया, फिर वो आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या आप अपना वोट का हिसाब उनसे मांगेंगे कि आपने बिल्कुल हमारे उम्मीदों पे खरा नहीं जी उतरा? आज की डेट में क्या विकास किया आपने? आज की डेट में जो भी शिक्षित बच्चा होगा, जिसको थोड़ा सा भी शिक्षा होगा, वो जरूर हिसाब मांगेगा। कोई भी नेता हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या जदयू हो, या बीजेपी का हो, ये जरूर मांगेगा। और मेरा सबसे पहला उनसे कहना होगा कि हथुआ मार्केट में, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे अधिक समय तक रहता हूँ, कम से कम यहाँ पे हथुआ मार्केट में पार्किंग जोन बनवाइए, क्योंकि काफ़ी जाम रहता है। मेरा सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे यही है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा समस्या होगा सही है, जैसे पटना का है ना एग्जीबिशन रोड हॉट प्लेस, उसी तरह छपरा का है। कोई भी बाहर से आता है तो लोग जानता है कि हाँ क्या है भाई सबसे पुराना चीज़, हथुआ मार्केट है छपरा में, बीच टाउन में है। और क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा हो सकता है? स्थानीय मुद्दा मेरा सबसे बड़ा ये है कि जहाँ हम रहते हैं पंकज सिन्हा के पास, कम से कम डेली बोला है कि उसको साफ करवा लेना चाहिए, क्योंकि एक नहीं करीबन 500 ऐसा घर होगा, मोटा मोटी 500 घर का कचरा वहीं पे फेंकाता है। तो सोच लीजिए अगर वो 24 घंटे के अंदर में अगर नहीं हटाया जाए तो उसका क्या मतलब होगा, रास्ता ही नहीं बचेगा आने जाने के लिए। नगर पालिका का भी इसमें फॉल्ट है, सरकार का है, नगर पालिका का भी है, सबका है। आप देखा जाएगा तो नगर निगम का भी है। आप नगर पालिका और नगर निगम तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि आप डेली का डेली काम किया कीजिए, टाला मत कीजिए, काम जो है आपका आप डेली किया कीजिए एज ए होमवर्क। क्या सबको लगता है कि यहाँ रेगुलर काम नहीं होता है? रेगुलर काम नहीं होता है, मार्केट में हम लोग आते हैं तो हम लोग खुद से साफ सफाई करते हैं, आधा घंटा तब दुकान खोलते हैं, खुद से साफ सफाई करना पड़ता है तब जाके। खैर उससे हमको कोई ऐतराज नहीं कि हम खुद से साफ सफाई करते हैं। मेयर है तो आप तो पूछ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हम नगर पालिका मेयर सबसे कहना चाहते हैं, यहाँ के मेरा वार्ड कमिश्नर है ये राजू श्रीवास्तव, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप डेली टू डेली अपना काम करवाया कीजिए। ये लोग क्या है कि सप्ताह में अब दो दिन साफ सफाई कराएगा लोग, तो क्या होगा, पूरा गंदगी लग जाता है, सबसे बड़ा बात यही है। तो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा क्या मिजाज है लोगों का, क्या चाहते हैं इस बार आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस बार कंप्लीट बीजेपी का सरकार बने, एनडीए का सरकार ना बने। बीजेपी तो आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं, बीजेपी यहाँ का सांसद है ना, सरकार बीजेपी का बने बिहार में, सेंट्रल में बिहार हो, राज्य में बिहार हो, बीजेपी हो। बिहार जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन हो, लेकिन एनडीए के तरफ से जो तमाम बड़े नेता हैं वो घोषणा कर चुके हैं कि अगर हम बहुमत में आते हैं तो सरकार हमारी बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा। देखिए राजनीति के इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी राजनीतिक में बहुत सारी बातें ऐसी है जो बोली जाती हैं, जो कि चुनाव के बाद बहुत लोग पलट भी जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अपना मानना रहेगा कि अगर यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार होती बिहार में तो शायद अच्छा काम कर पाती अकेले में ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विजय राज।